नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज का यूपी में हम हाजिर हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों का अपडेट लेकर। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली और नोएडा के बीच ट्रैफिक को संभालने के लिए प्रस्तावित चिल्ला एलिवेटेड रोड को उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब राज्य सरकार इस एलिवेटेड रोड का निर्माण करने के लिए आधा खर्च उठाएगी, बाकी आधा खर्च नोएडा अथॉरिटी उठा रही है। राज्य और केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिलने की वजह से पिछले करीब 2 वर्षों से ये परियोजना अधर में लटकी हुई है। नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी इस प्रोजेक्ट को राज्य सरकार से मंजूरी दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। भारत और जर्मनी के बीच अहम रक्षा मंचों को साथ मिलकर विकसित करने के तरीकों पर विचार विमर्श चल रहा है। इसी क्रम में जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वार्ता हुई। इस दौरान जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भारत की करीब 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 विध्वंसक पारंपरिक पनडुब्बी की खरीद की योजना में रुचि दिखाई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इसे लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट के अलावा कानपुर में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 6 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलने के साथ ही 22 अहम प्रस्तावों पर मंजूरी लगा दी है। ये नई यूनिवर्सिटी मथुरा, फरुखाबाद, आगरा, गाजियाबाद और मेरठ में खोली जाएगी। नई यूनिवर्सिटी खोले जाने के पीछे सरकार की मंशा युवाओं को अच्छी और उच्च शिक्षा मुहैया कराना है। बैठक में मुख्यमंत्री ने छोटे शहरों में निजी विश्वविद्यालयों के लिए पॉलिसी बनाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय अगले 10 सालों में कई क्षेत्रों में रिसर्च का मुख्य केंद्र बनेगा। साल 2025 तक 200 MOU किए जाएंगे। इंडस्ट्री से 25 करोड़ रुपए जुटाने का भी प्लान है। PhD में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सह पर्यवेक्षण बनाया जाएगा, जिससे NEP 2020 के तहत स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र स्टडीज के साथ उसी क्षेत्र में रिसर्च कर सकेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए तेवर और उम्मीदों के साथ लोक जागरण यात्रा निकालकर मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। भाजपा के खिलाफ जंग के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग 2014 में जीत कर आए थे, अब 2024 में लौट जाएंगे। इसी बीच अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से दूर रहने के लिए भी सलाह दी है। महाकुंभ के मद्देनजर वाराणसी अहम स्टेशनों के लिस्ट में शुमार है। ऐसे में प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट का खाका तैयार हो रहा है। इस रूट चार्ट में प्रयागराज के अलावा वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या, दिल्ली और भोपाल भी शामिल किया जाएगा। इंडियन रेलवे टाइम टेबल कॉन्फ्रेंस और रेलवे बोर्ड के अफसरों की बैठक में नई वंदे भारत ट्रेन के संचालन की मंजूरी के बाद उत्तर मध्य रेलवे से डिमांड और रूट की रिपोर्ट मांगी गई है। मेरठ शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए नगर निगम ने 5 सड़कों को बेंगलुरु की तर्ज पर बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की लागत तय की गई है। इनका निर्माण करने वाली कंपनी सड़क के ना टूटने को लेकर 20 साल की गारंटी लिखकर देगी। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की के इंजीनियर सड़कों को पास करेंगे। उत्तर प्रदेश में होटल और अन्य पूरक आवास सेवाओं का संचालन अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार एक पोर्टल विकसित करेगी, जिसे निवेश मित्र के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश कैबिनेट ने सभी तरह के होटल को कानून के दायरे में लाने के लिए इससे संबंधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम के बाहर यूनिपोल के गिरने से मां बेटी की मौत के मामले में घायल ड्राइवर सरताज के भाई मोबिन ने स्टेडियम प्रशासन पर मुकदमा दर्ज कराया है। नगर निगम ने कान्हा स्टेडियम में जानलेवा होल्डिंग लगने वाली कंपनी ओरिजिन प्राइवेट लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही इस घटना से सबक लेते हुए कमजोर ढांचे पर लगे बिल बोर्ड और यूनिपोल को हटाने के लिए शहर में अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की सुविधा के लिए जल्द ही खेल साथी ऐप शुरू करने जा रही है। इस ऐप पर खिलाड़ी घर बैठे खेल से जुड़ी सभी जानकारियां और सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नवनीत सहगल ने बीते दिनों केडी सिंह बाबू स्टेडियम सभागार में खेल साथी ऐप का प्रेजेंटेशन देखा और इससे जुड़ी सभी सुझाव भी दिए हैं। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहरों की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।